हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। आप सभी को पता है कि DSSSB में 5 दिसंबर 2023 से अप्लीकेशन फॉर्म जो है भरा जाएगा और लास्ट डेट जो रहेगी वो 3 जनवरी 2024 रहेगा। तो फॉर्म स्टार्ट जो होगा वो 5/12 से स्टार्ट होगा। मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ वही DSSSB में जो वेलफेयर ऑफिसर की प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क में मांगा गया है और मास्टर डिग्री इन सोशोलॉजी में भी है और मास्टर डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी में भी है। कुल टोटल 80 सीटों पर वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो मैं आप लोगों से आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाला हूँ। हालांकि DSSSB ने, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो सोशल वर्क में 3 बार एग्ज़ाम लिया है और जिनमें से एक पेपर मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर रहा हूँ DSSSB का। बाकी एक हमारे सामने ये है जो वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी है, अगर मैं बात करूँ 14/19, और एक हमारे सामने जो है आपको मिलेगा ये वाला, जिसमें 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सोशल वर्क के इसमें 200 क्वेश्चंस है। पेपर फर्स्ट में जो है पार्ट वन में 100 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये बेसिकली हाल ही का है, 2020 का है, और ये वही है जो एक बार मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और मास्टर डिग्री इन सोशोलॉजी क्रिमिनोलॉजी से ही जो है पूछा गया था। वहाँ पे भी यही ठीक जो है एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया था, ठीक है। तो आज हालांकि मैं बातचीत करने वाला हूँ, ये जो DSSSB का पेपर आप देख रहे हैं ये 2018 का है, 2018 का है, और उसमें बेसिकली जो है ये पूछा गया था प्रश्न। तो 100 क्वेश्चंस इसमें हैं, उन प्रश्नों पर मैं बातचीत आप लोगों से करने वाला हूँ। इससे पहले मैं एक बात और बता दूँ कि यदि आप DSSSB या ESIC की, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ESIC और DSSSB की, तो इसकी ऑनलाइन क्लासेस मैं हालांकि 25 नवंबर से स्टार्ट किया हूँ। 25 नवंबर से, अभी मैंने सिलेबस के आधार पर बात नहीं कर रहा हूँ, 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक, 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप लोगों का प्रैक्टिस चल रही है, यानी PYQ। अब ध्यान से सुनिएगा, DSSSB और ESIC के जो स्टूडेंट हैं, इससे ये पता उनको चलेगा कि सोशल वर्क में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और किस टाइप के प्रश्न आते हैं, प्रश्न बनाए किस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है UGC नेट का एग्ज़ाम भी है, करीब में 13 दिसंबर की एग्ज़ाम है, तो उनके साथ साथ इनकी भी एक प्रकार से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हालांकि मैंने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, केवल प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, लेकिन जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन में बात करता हूँ, लाइव क्लासेस जब लेता हूँ, तो उस समय एक प्रश्न के पीछे मैं आप लोगों से व्याख्या यानी तर्क देता हूँ और उससे संबंधित जो भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो परीक्षा में पूछा जा चुका है और जो पूछने की पूरी चांसेस बनता है, उस फैक्ट को मैं आप लोगों को नोट करवाता हूँ। ये केवल ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड कराता हूँ। हमारे यहाँ अगर हम बात करें, अभी तो DSSSB ESIC की क्लासेस जो है 1 PM भी है, वहीं बात करें 7 PM भी है और 8:30 PM भी है। तो यानी तीनों क्लासेस, ये तीनों क्लासेस DSSSB के लिए है, ESIC के लिए है, एम्स के लिए है, साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, तीन तीनों क्लासेस में UGC नेट के बच्चे भी हैं और मेडिकल सोशल वर्क के भी स्टूडेंट इसमें हैं। तो ये सभी के लिए इसमें मैं कॉमन चला, क्योंकि सोशल वर्क का केवल क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ आप लोगों से। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं मुझसे, तो मेरा नंबर है 8506031308। इस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से आप समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। हालांकि UGC नेट की एडमिशन इस समय बंद है, ऑफ है, इसका एडमिशन नहीं चल रहा है। अगर मैं बात करूँ तो एम्स मेडिकल सोशल वर्क की जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही है मात्र 1000 में, जिसमें आपको पूरा कंटेंट है और पूरा PYQ भी है, और इसमें जो प्रीवियस हमने जो वीडियोज़ है वो भी आप लोगों को ये प्रोवाइड कराई जा रही है। ये एम्स के लिए 1000 है, क्योंकि इनका एम्स वालों का 18 दिसंबर 2023 को इनका एग्ज़ाम है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं DSSSB और ई
SIC की, जहां वैकेंसी दिल्ली में 16 निकाली गई है, हालांकि हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसी है ESIs में, और DSSSB में कुल टोटल 80 वैकेंसी है। इसकी ऑनलाइन क्लासेस जो है 5000 में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो दो किस्तों में ये फीस जो है जमा होगी 2500 करके। यदि आप इसे वन टाइम में पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको 1000 का छूट मिल जाएगा, 1000 का छूट मिलेगा जब आप वन टाइम पेमेंट करेंगे, तो आपको 4000 में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। पर डे क्लासेस रहेंगी आप लोगों का, यूनिट के क्रम में आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। मैंने हालांकि DSSSB का सिलेबस जो है रिलीज़ कर दिया है। अगर वहीं बात करते हैं ESIC के जो सिलेबस है वो भी हमारे पास आ चुका है, और इसके बारे में आज जो है आपको वो भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चनों पर अब बातचीत कर लेते हैं। देखिए पहला हमारे सामने ये जो पेपर मैं आप लोगों से सॉल्व करवा रहा हूँ, सोशल वर्क का ये पेपर है, DSSSB का है, कोड नंबर 1814 इसका कोड है। तो पहला प्रश्न है कि प्रणाली सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो ध्यान रखिएगा ये 1940 में लुडविग वाल्टर लैम्फी का नाम आता है, और ऑप्शन नंबर आपका पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 मतलब 102, यानी देखिए इससे पहले जो प्रश्न है वो पार्ट ए का है, ठीक है। ये मैं सिलेबस जो है ये क्वेश्चन आपके भी ग्रुप में डाल देता हूँ, ESI के ग्रुप में, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है सामाजिक अध्ययन की प्रक्रिया को मॉडलिंग किसने कहा, और अन्यों के व्यवहारों को सफलतापूर्वक ढालने के लिए एक व्यक्ति हेतु वांछित 4 शर्तें दी। तो ध्यान रखिएगा बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट आता है सामाजिक अध्ययन की प्रक्रिया में मॉडलिंग का, प्रतिरूपण का, तो उसमें नाम आता है अल्बर्ट बेंडूरा का, और ये कॉन्सेप्ट सन 1960 में आया था। बात करते हैं मतभेद सिद्धांत मतभेद और डैश को समझने के लिए उपयुक्त है। इसका सही जवाब जो होगा वो बेसिकली अगर हम जिक्र करते हैं तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो समाधान बेसिकली क्या है, मतदान सिद्धांत जो है मतभेद सिद्धांत मतभेद और समाधान को समझने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये कॉन्सेप्ट, काल अगर हम बात करें तो काल मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट है, बट इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो 104 कह रहा है कि डैश आदर्श और मूल्य से उद्देश्य को निकट जो है सद्भाव देखता है, तो बेसिकली ये समुदायवाद है, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। मीट के अनुसार स्व का विकास डैश चरण की एक श्रृंखला में होता है, बेसिकली इसमें अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट इसका जो आता है वो मीड का आता है। तो मीड महोदय ने कितने कॉन्सेप्ट दिए थे इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 3 कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा आई मी एंड सेल्फ 3 चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इसको समझना होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने कहता है कि मनुष्य की मस्तिष्क या मानसिक घटक से उभरता है, तो बेसिकली इसका सही जवाब जो जाएगा वो सांकेतिक संप्रेषण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 एक स्थिति है जब एक मनुष्य को यह निर्धारित करने में परेशानी होने लगती है कि वह कौन सी भूमिका धारण करे, है ना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 107 इसका सही जवाब हो जाएगा भूमिका उलझन, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 सामाजिक अध्ययन व्यवहार को निम्नलिखित तरीके से प्रभावित करता है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें समान व्यवहारों को घटा बढ़ा सकते हैं, पिछले प्रतिबंधित व्यवहारों को भी बढ़ा दे सकते हैं, नए व्यवहार को सीखते हैं, और उपर्युक्त यहाँ पर सही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि मैक्स वेबर के अनुसार डैश वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाकलाप के व्याख्यात्मक समझ का प्रयास करता है, सही जवाब जाएगा समाजशास्त्र, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 रीतिवाद विचारधारा ने समाजशास्त्र के प्रयोजन को अत्यधिक डैश कर दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अत्यधिक संकुचित कर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन प्रश्नों के जो है अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी आप लोगों को है, ये मैं आपको अभी PDF आपके ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ESI और जो DSSSB का ग्रुप है उसमें आप लोगों को डाल दूंगा, आप लोग इजीली उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 111 यानी 111 यानी 111 नंबर का सवाल हमारे सामने कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय समाजशास्त्री नहीं है, IMP सवाल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना होगा अगर हम बात करें त्रिलोकीनाथ मदन, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 112, सामाजिक संतोष के अधिकांश व्यवहारिक सिद्धांत डेस से आते हैं। तो सही जवाब अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी अमेरिका इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 113, समाजशास्त्र में पूर्व सर्वा जो है पूर्व सारंगिक और पहलुवादी सिद्धांत के बीच का अंतर डैस द्वारा दिया गया। तो हैंस जेटर बर्ग के द्वारा दिया गया सन 1965 में। कब दिया गया था? 1965 में। क्वेश्चन नंबर 114, डैस दृष्टिकोण सामाजिक मूल्यों और सामाजिक तथ्यों के बीच विभाजन को नहीं पहचानता है। क्वेश्चन नंबर 114 सही जवाब हो जाएगा समाजवादी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115, डैस बेबर का समकालीन और जर्मन समाजशास्त्री समाज का सह प्रेरणा थे। तो सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखिए इसके बेसिकली तीन विद्वान हैं इसमें जो नाम आता है। एक तो नाम आता है सीमेल का, नाम आता है जॉर्ज सीमेल का, और दूसरा नाम आता है जो है टोनीज का नाम। और अगर हम बात करें तो एक तीसरा नाम आता है मैक्स बेबर। अब सवाल है बेबर के समकालीन मतलब उसके बराबर में बताइए वो कौन सा समाजशास्त्री है जो सप्रेरणा है। तो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉर्ज सीमेल। अगर ये ऑप्शन में है तो एफ टोनीज होगा, अगर एफ टोनीज भी नहीं है तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्स बेबर ऑलरेडी हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 116, डैस कामगारों के स्वर्ण के एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में उभरा और जिसमें संपत्ति का समापन वितरण है। ठीक है, 116 नंबर का सवाल। सही जवाब हो जाएगा समाजवाद। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है अत्यंत भाविक व्यवहारिक और व्यक्तिक समस्याओं वाले सदस्यों द्वारा सामान्यता बना समूह डैस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 117, सही जवाब आपका यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी उपचार समूह होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 118 की, डैस सीमेन का आधुनिक विश्व में धन अर्थव्यवस्था से उभरने से जुड़ा कार्य था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए धन का दर्शन। धन का दर्शन, ठीक है, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119, पर्सनालिटी लैटिन शब्द है परसोना से निकला हुआ जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा होता है, मास्क या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। संतुष्टि का त्रिघटक सिद्धांत के द्वारा जो है विकसित किया गया, मतलब त्रि एक सिद्धांत है तो ये बेसिकली मैक्स बेबर का है। इसमें जो त्रिघटक सिद्धांत है वह एक वर्ग है, दूसरा आपका स्थिति है, तीसरा शक्ति है। ठीक है, ये तीन बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 121, डैस ने पहली बार आयोजन को अर्थव्यवस्था चलाने का एक तरीका बताया, है ना? क्वेश्चन नंबर 121 का सही जवाब बेसिकली क्या है? सेंट साइमन। देखिए मैं आपको बता दूं, पहला आर्थिक नियोजन के लिए सन 1934 में विश्वेश्वरैया भारत के माने जाते हैं एक प्रकार से, इन्होंने आर्थिक नियोजन पर बात किया था। हालांकि पहली बार आयोजन को अर्थव्यवस्था चलाने का एक तरीका का नाम में अगर बात आता है तो नाम देखिए मैं आपको बता दूं, चार्ल्स जो है फारियर का भी नाम आता है, रॉबर्ट ओवेन का भी नाम आता है, सेंट साइमन का भी नाम आता है, परंतु पहली बार चलाने का एक तरीका बताया तो वह ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सेंट साइमन। ठीक है, यहाँ पे ये केवल नहीं है, बाकी ये ऊपर के तीनों जो नाम दिए गए हैं तीनों का नाम अर्थव्यवस्था चलाने के तरीके में नाम देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सही जाएगा आपका यहाँ पे सी वाला। ये सारी चीज़ों पर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूंगा। ये सारा मैंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है, सारे के सारे पॉइंट्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। परीक्षा से पहले आप लोगों का जो है ये सिलेबस समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, DSSSB अभी तक ये जितने भी एग्ज़ाम करवाता है, जब फॉर्म भरने की डेट से लेकर लगभग 5 से 6 महीने का आप लोगों को समय देता है तैयारी करने के लिए, है ना? तो आप इजीली इसे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। 80 सीटें हैं सोशल वर्क में, DSSSB में आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको सही तरीके से यह स्टडी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 122 पर, एक नया समाजशास्त्र मुख्य रूप से डैस के कार्य का कारण बढ़ा। तो यहाँ पे सी राइट्स मिल्स का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए इसका आंसर भी आपको मिलेगा नहीं, आप सोचो कि अगर हम नेट से भी ढूंढे या उसके साइट पर ढूंढे तो ये मिलने वाला नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये हमने जो है बनाया है किसी क्या नाम है इसके क्वेश्चनों को देखकर, ठीक है, इसके आंसर को, और ये इसके आंसर आप लोगों को जो है मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इन सारे क्वेश्चनों का। ठीक है ना,
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के बारे में, यानी 123 नंबर का सवाल हमारे सामने। और 123 नंबर का सवाल कहता है कि भारत में समाजशास्त्र का सैद्धांतिक वर्धन गहराई से पश्चिम से विशेषता द्वारा प्रभावित हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर होगा, यहाँ पर यूएसए, ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करें क्वेश्चन नंबर 124 के बारे में, कहता है कि शब्द डैश उस हर चीज़ पर लागू होता है जो एक व्यक्ति करता है, महसूस करता है या सोचता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 125 की, डैश वह वस्तु है जो विभिन्न गणितीय मानों की कल्पना करता है। क्वेश्चन नंबर 125 सही जवाब होगा यहाँ पर वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट होगा, चार जवाब यहाँ पर सही माना जाएगा। डैश शरीर का वह भाग है, वह भाग जो अत्यंत अंतर्गता से व्यवहार में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 126 का सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का मुख्य क्षेत्र नहीं होता है, इसमें से कौन सा मुख्य क्षेत्र नहीं है, तो वो बेसिकली अभिधान नहीं है, बाकी प्रभाव अनुभूति कंट्रोल है, ऑप्शन नंबर जो जाएगा इस प्रश्न का, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति को जन्म से ही व्यक्तिगत अधिकारों में विद्यमान होता है, मतलब उसमें व्यक्तिगत अधिकारों में विद्यमान होता है, निराशा, भय, पीड़ा या उपर्युक्त सभी, तो क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, यहाँ पर सभी के सभी करेक्ट माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 129, व्यक्तिगत समूह सदस्यों के लिए एक समय नियोजन प्रक्रिया में प्रथम चरण डैश निर्धारित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 129 यानी 129 इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत लक्ष्य, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 130 की, वह सिद्धांत जो इस पर जोर देता है कि व्यक्ति हमारे पर्यावरण और दूसरों के साथ हमारी तुलना करके भावों को पहचानता है, बेसिकली सेक्टर सिंगर सिद्धांत है ये, इस सिद्धांत को ये रिलेट कराता है। क्वेश्चन नंबर 130, ठीक है, 130 नहीं, वहाँ पे 130 में बात क्या है, पर्यावरण और दूसरों के साथ तुलना में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो है लेजासर, ठीक है, लेजारस मूल्यांकन का सिद्धांत आपका रहेगा, यहाँ पर डी आपका करेक्ट रहेगा, ना कि सीक्रेट रहेगा, ठीक है। पर्यावरण और दूसरों के साथ दिया हुआ, एनवायरमेंट से रिलेटेड बेसिकली यही है, ठीक है, लेजारस। क्वेश्चन नंबर 131 है, अभिरुचि परीक्षाएं डैश प्रोत्साहन को नहीं मापती है, ठीक है, नहीं मापती है, ठीक है, यहाँ पे ये सवाल दिया गया है, तो बेसिकली उपलब्धि को, कार्य से अलग कार्य पर करना, ये प्रोत्साहन को नहीं, ठीक है, उपलब्धि को, ठीक है, प्रोत्साहन को नहीं मानती जो है मापती है, तो अभिरुचि परीक्षाएं जो होती हैं इंटरेस्ट, उपलब्धि को, प्रोत्साहन को नहीं मापती है, ऑप्शन आपका जो जाएगा यहाँ पर सी वाला करेक्ट रहेगा, अचीवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 है कि सभी समूह सदस्यों के पूर्ण सहभागिता के माध्यम से बड़ी मात्रा में विचार उत्पन्न करने हेतु बनाई गई प्रक्रिया डैश कहलाती है ना, क्या कहलाती है, डैश कहलाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क मंथन आप कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और भी सवालों पर बातचीत करेंगे हम लोग। कहता है क्वेश्चन 133 की, निम्नलिखित में से एक प्रभावी समस्या समाधान में एक बाधा नहीं है, 133 नंबर का सवाल, तो ये बेसिकली धन का अभाव। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 134 के बारे में, वह व्यक्ति जो अन्यों को किसी समस्या हेतु दोष देते हैं, ठीक है, इससे निरपेक्ष की वह समुचे दोषी है या नहीं डैश कहलाता है, तो बेसिकली क्या है, बलि का बकरा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, कार्य समूह को नेतृत्व करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी एक दिशा निर्देश नहीं है, क्वेश्चन नंबर 135 का सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे तो बी, समूह का आकार, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा समूह का आकार। अगला सवाल हमारे सामने है कि भारत सरकार ने किस वर्ष बालकों हेतु राष्ट्रीय नीति अपनाई थी, तो 22 अगस्त 1974, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी जो प्रश्न दिए हैं ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, DSSSB सोशल वर्क का ये प्रश्न पत्र है, इन प्रश्न पत्रों पर मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा और ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा और आपको
प्रोवाइड भी कराऊंगा, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में सब। यदि आप DSSSB सोशल वर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या आप ESIC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क की, जहाँ पे 16 सीटों की वैकेंसी दिल्ली में निकाली गई है, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी 24 तारीख से चलाई जा रही है, वो केवल प्रैक्टिस चल रही है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सिलेबस के आधार पर आप सबकी क्लासेज रहेंगी, और इसके बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 8506031308 पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप पूरी डिटेल मुझसे जो है प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।